हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, पाइल्स बवासीर। और ये एक ऐसी समस्या हो गई है जो परिवार में किसी ना किसी को, महिला या पुरुष को, है ही। तो इस समस्या का सबसे बड़ा कारण जो है वही होता है कि जी हाँ, हमारी दिनचर्या। और ये जो है दो तरह के बवासीर होते हैं, जो एक खूनी होता है, बादी होता है। और नाम से ही आपको पता चल रहा है, खूनी बवासीर में जो है आपके जो है गुदा द्वार से जो है ब्लड निकलता है, जिसमें आप जाते हैं बाथरूम। और जो बादी बवासीर होता है वो मस्से वाला होता है, जो काला तरह का जो मस्से वाला होता है। तो आज इसी की समस्या का समाधान लेकर आए हैं, जो कहते हैं कि पूरी तरह से तो एकदम 100% नहीं होता है, लेकिन 90-95% जो है आपको राहत मिलेगा और काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए देखिए, दवा और परहेज दोनों चीज़ जो है ज़रूरत होता है, तभी जाके वो असरदार होता है, काम करता है। तो इसमें जो है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे इसे बनाना है, कितना दिन लेना है, कितना लेना है, सब कुछ इस वीडियो में जो है कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है फ्रेंड्स। तो अपने परिवार में, फैमिली में, आसपास जो है लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, अगर वो इस पीड़ा से, इस दर्द से परेशान है। तो यहाँ पर ये बात कर रही है फिटकरी। फिटकरी का जो है आयुर्वेद में, अपने में और बहुत सारी बीमारियों के इलाज में जो है फिटकरी का यूज़ होता है, और बहुत ही यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स है। तो ये आपके घर में तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक तवा जो है गर्म करके ले रखा है, लोहे का तवा है। और यहाँ पे फिटकरी को हमें कच्चा फिटकरी यूज़ नहीं करना, एलम। ये इस एलम को, फिटकरी को पहले हम छोटा सा एक पीस लिए हैं, और पीस को जो है तवे पे रख दिए हैं। अब ये देखिए, धीरे धीरे जो है बबल बनना स्टार्ट होता है। पाइल्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स, कि पाइल्स एक्चुअली होता क्या है। पाइल्स का सबसे बड़ा कारण होता है कब्ज। अब कब्ज क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो खाने पीने का है, हम खाने में ज़्यादा पानी नहीं लेते हैं, फाइबर की मात्रा हमारे खाने में बहुत कम होता है, हम बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के घंटों बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा भारी काम अगर करते हैं घंटों खड़े रहते हैं, तो ये सब कारण जो है कब्ज होता है। और कब्ज जब होता है तो फिर जो है प्रॉब्लम ये इसी तरह बवासीर के रूप में आता है। पानी हमें बहुत ज़्यादा पीना है, कहने का मतलब हमारा जो विष्ठा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अब करने तो जाते हैं, लेकिन तकलीफदायक कितना हो जाता है कि करने के बाद तक काफ़ी देर तक जो है उसमें दर्द पेन रहता है, बहुत तकलीफदायक होता है ये दोस्तों। तो इसको करना यही है कि हमें जो है फिटकरी को देखिए, तब तक हमें इसे गर्म करना है, हीट करना, जब तक इसका पूरा मॉइस्चर जो है ना फिटकरी के अंदर से उड़ ना जाए। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर करके तवा को गर्म करके फिटकरी को रख देना है, और इंतज़ार करना है करीब 5 से 7 मिनट। वो धीरे 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 जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और ये देखिए धीरे धीरे जो है ड्राई होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ परहेज करना चाहिए, दो चार चीज़ ऐसी चीज़ है, लेकिन दो मेन चीज़ है कि अगर पाइल्स है आपको, बवासीर है, तो उसको लाइफ से निकाल ही देना चाहिए। जी हाँ, अदरक और चिकन, ये दो ऐसी चीज़ है ना जिसको आपको निकाल देना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए। और इसके बाद खाने में परहेज आप कर सकते हैं, कम मसालादार, आपको तेल तला हुआ, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, तभी जाके ये थोड़ा आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। अब दर्द तकलीफ से झेलने से अच्छा है कि इन सब चीज़ों में जो है परहेज किया जाए, आराम लिया जाए। तो इस तरह से है। खाने में और क्या खाना चाहिए, पत्तेदार सब्जियाँ खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, ज़्यादा मात्रा जिसमें फाइबर की हो वो वाले फ्रूट्स वेजिटेबल खाइए, यही सब चीज़ें जो है आपको जो है इन सब चीज़ों से राहत पहुँचाएगा। यहाँ पे फिटकरी जो देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है अब, और ड्राई होने के बाद हल्का ठंडा हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा गर्म ही है। तो जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा अब इसको जो है हम एक मक्खल बाटी वाला जो लेंगे, उसी से भी जो है इसको तवे पे ही जो है हमने कूच लिया है, इसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें इस तरह से रगड़ रगड़ के बना देना है। फिटकरी का जो है पानी पूरा मॉइस्चर उड़ गया है, तो ये बिल्कुल जो है अब पाउडर इजीली बन जाएगा, कुछ नहीं, इसको बस थोड़ा थोड़ा सा तोड़ते हुए इसे जो है बिल्कुल हमें पाउडर बना लिया। तो इस तरह से जो है फिटकरी का पाउडर जो है तैयार हो गया, तो हमने उसे एक बाटी में निकाल लिया है। निकालने के बाद से अब जो है इसका किस तरह से यूज़ करना है, कैसे हमें इसे खाना है, और मैं उसका मैं आगे अब बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं केला। केला जो है पका हुआ ही है, ज़्यादा पका हुआ भी नहीं लेना है, और ज़्यादा बिल्कुल कड़क भी नहीं लेना है, बिल्कुल नॉर्मल केला है वो हमने ले लिया है। अगर केला देखिए, अब यहाँ पे जो है
केला जो है अगर सर्दी जुकाम होता है या केला से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो केला जो है आप नहीं खाएंगे, उसके लिए भी मैं इसमें बताऊंगी कि किस तरह से फिर उसे पाउडर को फिटकरी के पाउडर को लेना है। तो यहाँ पे केला को हमने छील लिया है और केला जो है हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट करता है, लेकिन इसे भी खाने का एक सही टाइम होता है। शाम के समय में तो आप बिल्कुल ना खाएं इसे, और सुबह में खाली पेट केला ना खाएं। खाने के बाद मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद से जो है आप केला ले सकते हैं तो ज़्यादा फायदा करता है। तो केला को हमने छील लिया, केला को जो है हम सबसे पहले जो है कट कर लेंगे, और कट करके जो है इसके अंदर जो है हम डालेंगे फिटिकरी का पाउडर डालेंगे, और ये पाउडर बहुत ही जो है कारगर साबित होता है दोस्तों। तो इसके ऊपर अभी करना क्या है, हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी जो है हमें पाउडर लेना है। एक चुटकी पाउडर इसके ऊपर जो है हमें डाल देना है, और डालने के बाद से जो है अब इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे। जी हाँ, हनी, शहद। शहद अपने आप में गुणकारी होता है, बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए फायदेमंद होता है, तो ये शहद डालेंगे। तो फिटिकरी का पाउडर हमने एक चुटकी पूरे केले में छिड़क दिया है और साथ में शहद भी डाल लिया है। अब इसको अच्छे से हम थोड़ा सा लपेट देंगे, अच्छे से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और इसे जो है हमें लेना है सुबह में नाश्ता करने के बाद से इसे लेना है। और इसे कितने दिन तक लेना है, इसको करीब जो है आप 20 से 40 दिन तक इस रेमेडी को अपनाइए और देखिए फर्क कितना नजर आएगा। तो 20 से 40 दिन तक जो है आपको इसको यूज़ करना है। साथ ही साथ जो है आपको अगर केले नहीं खाना है या केला खाना पसंद नहीं है तो आप फिटिकरी आप ले लीजिए एक चुटकी, और साथ में जो है हनी भी जो है थोड़ा सा उसमें डाल के मिक्स करके वो आप खा सकते हैं। अगर केला खाना पसंद नहीं है या किसी कारण से हो सकता है कि घर पे केला कभी मौजूद ना हो, तो आप फिटिकरी और वो आप जो है हनी मिक्स करके उसे भी जो है चाट सकते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह में। दिन में एक ही बार आपको ये करना है, एक ही बार खाना है, चाहे केला वाला खा लीजिए रेमेडी या फिटिकरी, और अगर केला नहीं है तो फिटिकरी का पाउडर और वो हनी मिक्स करके वो खा लीजिए। दिन में एक ही बार खाना है, और 20 से 40 दिन तक आप इसको करके देखिए। साथ ही साथ जो है जिन चीज़ों को मैंने बोला है कि खाने में उनको शामिल कीजिए और किन चीज़ों को परहेज कीजिए, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये आपको करना है, और ज़रूर आपको फ़ायदा होने वाला है, और बहुत